हॉरर मूवीज। फिजा ने सबसे अच्छी बात की है, अब सारी रात सुसु निकलता रहेगा मेरा बेड में। अभी सोच तू अंदर जाए, गाना शुरू हो जाए, मेरी चाहत यहाँ पे जो करना है आप कर सकते हो। अच्छा ये देखो, यहाँ पे हम अपना चिल्ला काट सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, आज का व्लॉग बड़ा कुछ स्पेशल है। आप देख रहे हैं, हम ये गए गांव देहात में आए हुए इस वक्त अमेरिका के, लेकिन सीन ये है, आज मुझे मौका मिला था फ्रॉम समवन आई नो। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम ना, हमारा एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है यहाँ पे ना एयरबीएनबी मैं लोगों को देता हूँ, मतलब रेंट पे ना, इट्स लाइक $1,000 पर नाइट और इवन मोर। उन्होंने कहा था तुम एक दिन जाओ, तो मैं फ्री का दे रहा हूँ, तो अपनी फैमिली वगैरह को लेके जाना उधर लेके जाओ और ना व्लॉग व्लॉग बनाना और दिखाना। और यू नो सिंस वली भाई भी आए हुए, सुरा बिलाल भाई भी आएंगे, पीछे फिजा भी है इस वक्त। तो अभी आप देखो कैसे गांव गांव में हम जा रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप दिखाओ ऑलमोस्ट हम अपनी डेस्टिनेशन पे इधर पहुंचने वाले हैं। हॉगवर्ट्स में एंटर होने वाले बॉयज एंड गर्ल्स। यानी लग रहा है रेजिडेंट ईविल के उसमें एंटर हो, दिखा दिखा। ये देख कैसे खुल रहा दरवाजा, उन्होंने स्पेशल लड़की बिठाई हुई है बोलने के लिए। तो ये देख, तूने रेजिडेंट ईविल ना वो नहीं खेली ना एट, उसमें ना ये गांव वाली जगह आती है, कैसे दरवाजा खुलते है, स्टार बने होते हैं उसपे। ये सारी जगह हमारी है बॉयज एंड गर्ल्स, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, आग लगानी है, दरख्तों को काट रहे हैं, ठीक है। ये तो वो लग रहा है रेड डेड रिडेम्पशन 2 का जो मिशन होता है। हॉरर मूवीज, फिजा ने सबसे अच्छी बात की है, अब सारी रात सुसु निकलता रहेगा मेरा बेड। वो देखो टेंशन नहीं लगा, आप एंटर होते हो यू करके हवेली। अभी हम जाएंगे बच्चों की तरह, ये वाला रूम मेरा है, ये वाला रूम मेरा है, स्लो डाउन गाइस। और ये हसबुल्ला भी हंस रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स हम एंटर हो गए, चेक करा जरा। और अब आके बटलर आएगा, इवल सा बटलर आएगा। ये पूरी लेके हम यहाँ पे काइकिंग भी कर सकते हैं, पूल भी है। मैं गाड़ी रिवर्स में खड़ी कर ताकि भाग भी सके। बाकी सही कह रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स गाड़ी में रिवर्स में खड़ी कर रहा हूँ। और अच्छा मेरी बात सुनो, पिज्जा को समझा दो, नॉर्मली क्या होता है हॉरर फिल्म में, लड़कियाँ भाग नहीं पाती, बार बार गिर जाती है। तो हमने नहीं कोई रोकना, अपने शू लेसेस जो है ना बांध के रखना, अपने शू लेसेस खुद बांधना। तू गिर जाएगा मुझे लग रहा है, भाग लेगा। मैं तो तैर के भाग जाऊंगा, पिज्जा को तो स्विमिंग भी नहीं आती। मैं तो माइकल फेल्प्स की तरह तैरूंगा, वो ऐसी की तैसी देख लेंगे। और चुड़ैल के मैं दो रखूंगा कान के नीचे, एक आयतल कुर्सी पड़ूंगा, भाग जाएगी। हाँ भाग जाएगी, जिन में पांचों उठा के भाग जाएगी। चिन 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 चिन। अभी सोच तू अंदर जाए, गाना शुरू हो जाए, मेरी चाहत तो यार प्रमोट करने हैं। वो देखिए ना तुमने, when you find a million dollar home for $300, अभी जे तो रात को आती है। रात को मैं सो रहा हूँ, 3 बजे छन छन की आवाज आएगी। Anyways, boys and girls, as you can see, ये mansion हमारे पीछे, ठीक है। ये सारा एरिया अपना है, ठीक है। यहाँ पे जो करना है आप कर सकते हो, पीछे कायाकिंग बोट्स भी हैं, वो छोटा सा वो लगा हुआ है, गजीबो लगा हुआ है। यहाँ पे एरिया हमारी ग्रिल जो हमने अभी करनी है, हम ना सारा मीट वगैरह लाए हैं, तो यार ये पूरी प्रॉपर जगह बैठने की। ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स, ये है हमारे पास यहाँ पे ग्रिल, नीचे हम रख लेंगे कोयले वगैरह, और अभी कोयले बिलाल ला रहा है, बिलाल भाई को मैंने कहा है। और हमारे पास ये पूल भी है, खुद ही ऑन हो गए, कौन कर रहा है मेरी। मैं तुमसे यार बॉयज एंड गर्ल्स, खुद ही लाइट जल गई है, शुद्ध जे तुमा। अच्छा ये देखो, यहाँ पे हम बाहर बैठ सकते हैं आराम से, ये पूरी मेंशन है, यहाँ पे ये बाहर बैठने की भी जगह है, आराम से आप बैठो। अच्छा ये देखो, यहाँ पे हम अपना चिल्ला काट सकते हैं, ठीक है। बड़ा पता है तुम्हें। कोई मैजिक वगैरह करना है तो यहाँ पे बहुत इजी सीन है इसका, ठीक है। और पूरा फॉरेस्ट है यहाँ पे, ओ एक्चुअली बॉनफायर के लिए। हाँ ये बॉनफायर के लिए, तो उन्होंने कहा था लकड़ियां वकड़ियां दस्तयाब है, आपको ढूंढनी पड़ेंगी खुद। यार तुझे मैंने कहा था मेरी चेन सॉ रख ले गाड़ी में, ये दरख्त है इतने ज्यादा। नहीं नहीं कह रहे, लकड़ियां हैं इधर उधर, वो लकड़ियां किधर, काट के लगा लो। लगा लो, कोई मसला नहीं, सामान आपको दिया मैं। क्योंकि इन्होंने अभी नया खोला है, बिल्कुल ये ना अभी स्टार्ट किया है, रिसेंटली स्टार्ट किया, इसलिए इसके रिव्यूज भी कम थे। एक्सपर्ट रिव्यू चाह रहे थे। गजीबो भी है बाहर, ओए यहाँ पे भी कर सकते हो, ये लकड़ी वकड़ी ये कपड़ी है, ज्यादा बेहतर है उससे, वो तो बहुत ही दूर दूर है सारे। आ जाओ बॉयज एंड गर्ल्स, ये तो आपको थोड़ा सा हमने बाहर से दिखाया, अभी तो पीछे बहुत ज्यादा सीन है, बड़ा कह रहे हैं ना इसके अंदर, उन्होंने बटलर शटलर भी रखा होगा। बटलर नहीं, इधर बट साहब होगा। क्योंकि ये पाकिस्तानी लोग हैं ना, मेंशन डरते वरते नहीं है, हम डरते नहीं है। ओहो पूरा नीचे से ऊपर, आज वली तेरी टेकन चल रही होगी अंदर रात को। ओए होए होए, देख रहे होंगे, देखो जरा, देखो देखो। हे अल्फ्रेड, आई थिंक अल्फ्रेड छुट्टी पे गया है, कोई मसला नहीं है यार, तो पूरा एडवेंचर हो रहा है, एक्सप्लोर करने मजा आ रहा है। बस हमें इतने कमरे की जरूरत है और तो नेक्स्ट बनाया। हाँ ये बाकी टेबल पे भी सो सकते थे हम, आओ जरा चेक करें ये पूरा। यार ये तो वो ओल्ड टैब मेंशन लग रही है,
ओए चेक करो जरा यहाँ पे आप बैठ के आराम से रिश्तेदारों की बुराइयां कर सकते हैं। हाँ बहुत मतलब के स्कोप है उसका ना। वही फायरप्लेस का भी लॉग्स लगे हुए हैं। मिलियन डॉलर मेंशन है ये। ओ किचन एरिया चेक करो जरा। ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स ये किचन एरिया सारा। ये किचन के है सिंक धोने आपने। अगर कोई भी लेडीज हैं जिनको बर्तन धोने नहीं पसंद तो अगर वो यहाँ रहती हो तो वो साथ में व्यू भी देख सकती है सामने। ठीक है कुछ चाकू कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पे। वो देख जरा वाली दो तीन अपने पास रख ली कर दो कहीं पे। नहीं दो तीन अपने पास रख ली रात को गायब होंगे मोंजिलिका के पास होंगे। ये देखो चेक करो जरा अगर आपने डाइनिंग करनी है तो ये हमारा ये डाइनिंग टेबल वाला एरिया बना हुआ है। तो दैट्स द किचन एंड दैट्स द डाइनिंग एरिया एज यू कैन सी एंड बाहर से भी एक्सेस है जाने की। ठीक है फिर आप अंदर आओ तो एक और जगह आ जाती है जहाँ पे आप रिश्तेदारों की और भी बुराई कर सकते हो। नहीं ये वो वाली जगह जहाँ पे बिजनेस डील्स होती है ना। हाँ ये है वो शराब वाला ये बार है। अच्छा ये बार है। हाँ हाँ मुझे एक बना के देना जरा दूध रोजा। यार आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग मल्टीपल विंडोज इट लुक्स प्रीटी गुड यू नो। ये भी रात को बोलने ना लग जाए। ये है जरा सिगार लाउंज वाला एरिया मतलब यहाँ पे लोग ड्रिंक्स पीते हैं एंजॉय करते हैं। ये फायरबोर्ड सामने लगी हुई है तो ये चेस की बोर्ड भी लगी हुई है ना इधर। देखते हैं इसके अंदर क्या है। गन है नहीं नहीं एक रेजिडेंट टेबल चलिए। ओ पोकर है तो पोकर खेलनी आती है ना तुझे। राउंड टेबल है ना आओ ऊपर चले। वुड क्रीकिंग की आवाज नहीं आ रही। तो दिस इज अ कमरा विद मोर। ओए लूडो भी है लूडो खेल सकते हैं लूडो का शौक है। इसमें क्या है। ओए इसमें वो है यार को क्या कहते हैं डोमिनोस लूडोज। ये क्या है फिजा। ओए मास्टर बेडरूम में मास्टर वॉशरूम है तो चेक करो वॉशरूम। मतलब वॉशरूम के बाथटब में सीढ़ियां भी लगी हुई हैं। आपकी हाइट छोटी है तो आप फिर भी बाथटब में चढ़ सकते हो इतना मसला नहीं होगा। बाथटब से सीधा निकल के बाहर जाना है विदाउट क्लोथ्स एंड दुनिया को अपने जलवे दिखाने हैं then you can come here as well. तो बाथटब से सीधा निकल के आप बाहर भी आ सकते हो। ठीक है तो ये देखो नहाने के बाद का व्यू ये चेक करो जरा। हाँ यूं करके स्ट्रेच ले सुबह सुबह मेरे जैसा तो हुआ करे यहाँ पे। और दो नलके हैं एक ही जगह। ठीक है आई मीन अगर आपका ट्विन हो तो वो दूसरा यूज कर सकता है। मतलब साथ साथ आपने अगर पॉटी करनी हो। अच्छा और एक ही टॉयलेट है। अच्छा ये अच्छा की है कि अंदर ही बंदा ना अपनी सारी प्रेशर लगाए। अच्छा ये यहाँ पे क्या है। एक और बाथरूम होगा। ओए नहीं पूरी क्लोजेट है। म्यूजिक देख डरने लग रहे। ये रात को आएंगे। ये अंदर नहाने वाली जगह भी है। ओए होए होए ये मास्टर बेडरूम मतलब मेरे लिए मास्टर के लिए यहाँ पे। और बेबी का क्रिब भी है यहाँ पे। फिजा तुम सो जाना ठीक है और यहाँ पे मैं सो जाऊंगा। ये है कमरा सारा यहाँ से अगर आप देखें। वली भाई यहाँ पे क्या कमरा। ये हैरी पॉटर वाला कमरा है। ये हैरी पॉटर का नहीं वो जहाँ पे उसको सोतेला बेटा उसको इधर सुला दे। हाँ ठीक है मिडिल चाइल्ड को मतलब। तो अच्छा जी ये सारा एक्सप्लोर हो गया है। ऑफ साइड पे नहीं गए अभी तक हम। आज हो जी पहले यहाँ से आते हैं हम। रुको फिजा रुको उसमें जाते हैं। ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स ये है रूम गेस्ट वगैरह के लिए एक्स्ट्रा। ठीक है और टीवी भी लगा हुआ है। ठीक है ये क्लोजेट ही होगी ना। उधर लेफ्ट पे एक और रूम है। ओए वाह वाह वाह। और ये तो वो वाला रूम है जिसपे फूल लगाते हैं शादी के बाद। फिजा के लिए बच्चों को ट्रॉमेटाइज करने वाला रूम। ये सही है। वो देखो जरा सारे इसी कमरे के अंदर सो सकते हैं। बाकी सारे इस कमरे में सो जाते हैं। ये है आपका प्ले रूम बेसिकली। यहाँ पे एज यू कैन सी बंक बेड है। यार वो एनाबेल क्रिएशन वाली मूवी है ना उसमें यही वाले बेड होते हैं उनके। फिर यहाँ से बॉल आएगी रात को। ये देख एनाबेल ड्रिबल नहीं करते हुए आएगी ऐसे तुझे फेंकेगी। देख तू सो रहा होगा ना बेड पे ये करके एनाबेल के मुंह में रख के मारी। ओए फुटबॉल दिया सन तेरी फेवरेट तू बड़ा खेलता था शौक से। वो इसकी बॉल उसके अंदर होगी। ओए यार ये देख ये खुद ही ऑन हुआ है मेरी चाहते। ओए हसन ये वाला रूम है सही सोतेले बच्चे का। यार ये तो बड़ा डरावना कॉलेज की लाइट। बॉयज एंड गर्ल्स ये देखो जरा सामने अगर आपको अंधेरे में नजर आ रहा होगा छोटा सा कमरा फ्लैश मारो। यार यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई ना कोई बॉडी पड़ी होगी। ओ भैंस की दम। बॉयज एंड गर्ल्स चेक करो जरा। ओए होए 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 ये क्या है यार। इसको बंद कर दे और इसमें ना वो पेच पूछ लगा के ना इसको सील कर दे दरवाजे को। इसके आगे चेयर चूर रख देते हैं। खतरनाक लग रहा है दरवाजा। सबसे मजे का एरिया ना पूरे घर में मुझे ये वाला लगा किचन वाला। इट्स द मोस्ट लाइवली। और ये वाला है ना वैसे बात तो सही है यू नो बिलाल होगा तो दो तीन हाथ और मिल जाएंगे लड़ने के लिए। स्नैक्स रखे हैं इसके अंदर। खा कुछ बनना जी खा के। बिलाल भाई भी आ गए यहाँ पे। तो अभी ये हुक्का बन रहा था यहाँ पे जैसे आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक खिड़की खोलो तो उसके अंदर देखो अब ये सारे देसी वाला सामान पड़ा हुआ है। वो इलायची वाला वो भी पड़ा हुआ है। जामेश्री भी पड़ा था यहाँ पे कहीं देखा था मैंने। रूफजा भी है वहाँ पे वो चेक कर सकते हो जरा। गुड़ वाला पाउडर भी मतलब सारी देसी। इस पर गोल भी है जो जिंदगी के सारे मसले हल कर सकती है। अगर तेरा हाथ टूट जाए ना या कोई मौंजली का ना तो मार दिया स्टैप तो इस पर गोल पी ली वो पेट से यहाँ पे इस पर गोल पिएगा ना वो खुद ही सिलाई हो जाएगी व्हाइट व्हाइट। ओ और बेस्ट बात एक और बताना
कहना भूल गया, जो देसी लोग देख रहे हैं ना जगह को रेंट करने के लिए, सबसे अच्छी बात है इनके पास मुस्लिम शावर है। मुस्लिम शावर कभी एयरबीएनबी में देखा होगा और फुल प्रेशर है, ठीक है। मोंजली का आई ना तो उसके अंदर सुराख मार सकते हैं हम। हमने बिस्तर के साथ और कोर्ट डिफेंस के लिए अपने मारूंगा और उसके सर पे ना वो निकलेगा घूमड़ा, वो टॉम एंड जेरी वाला, मैं समझ गया। अच्छा वो कोयलों पे वो मारने के लिए तेल तो चाहिए होगा कि नहीं? वो भी नहीं लाया। तू नहीं लाया ब्यूटेन? भाई तू ने, तेरे काम था ब्यूटेन लाने। अल्लाह का बंदा क्या था, कहा ले गई बस। अल्लाह का तो मैं हूँ बंदा, लेकिन अल्लाह के बंदे ने तुझे कहा था कि कोयले लेकर हमने ग्रिल करनी है। अ पर्सन हु डजंट थिंक ऑल द टाइम। एक मिनट बात सुन, ब्यूटी तू क्या लाया, मीट लाया है? मैं मीट लाया हूँ। 10 सेकंड्स लेटर कोयले का बैग उन्होंने रखा हुआ है, ये सेल स्टार्टर भी हो सकता है, ये पकड़ ले उठा ले से सारा। वो पड़ा हुआ है, ब्यूटेन पड़ी है और फायरवुड भी पड़ी हुई है, सब कुछ है, यहीं पे डंक कर देते हैं। असल तेरा हो गया, अब तू आग लगा। एक्सक्यूज नहीं है, अच्छा हाँ चलो ठीक है। कैमरे को ऑन कर, मैं वीडियो बना रहा हूँ, हेल्प करो। ये ट्रे किस तरह निकालेंगे भाई, इसका कोई तरीका तो होता होगा? नहीं नहीं यार। अरे वाह, इसलिए हमें कभी कभी एक और बड़े भाई की जरूरत पड़ जाती है। पपी के लाने की जरूरत थी साथ, यूं मारती यहाँ पे ना। घर में लाइटें भी खुद चल रही हैं, ये आबशार भी गिरने लगी है, तो वली की थ्योरी है कि कोई हमें वॉच कर रहा है। तो बॉयज एंड गर्ल्स आप कमेंट में मेंशन करें क्या है। बिलाल और फिजा जो कि मैंने भी देखा था, पेंटिंग थी ठीक है और नेपोलियन की लगी हुई, तो उसकी ना आंखें यूं करके गायब हो गई, कोई बंदा देख रहा था हमें ना, कोई ना कोई वॉच कर रहा है हमें। तो मैं अपने कपड़े नहीं उतार सकता यहाँ पे सैडली। वो आपने ऊपर खड़े होना था ना? हाँ, मैंने तो नंगा खड़ा होना था ऊपर। शिट, गोश्त ऑलमोस्ट रेडी हो गया उसके ऊपर, बस हम ये टोर्टिया ब्रेड डाल रहे हैं और एक कुछ हमने निकाल लिया, अभी इसको ट्राई करते हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कोयलों पे पके हैं वाले ना, टेस्ट टेस्ट होने वाला है बीफ रिब का ऑन कोयला। ओए होए होए होए, क्या वो कोयले का मजा आ रहा है अंदर है। तो यार जल्दी से आओ, खाना खा ले, तेरे लिए जला वाला पीस रखा है मैंने, सारा ठंडा हो गया, तुमने चूसे मार मार के ठंडा कर दिया। नहीं जल्दी कर, मैं का सारा खाना जला दिया। तुम्हें मोंजली का भी हसरी होगी, सारे जिम्मू हंस रहे होंगे। चिकन भी रेडी हो गया हमारे, चेक करो जरा, फुल ग्रिल वाली उस पर लगी हुई लाइन, ये देखो जरा, जूसी एंड फूसी, मतलब थाई वाले कराए पीसेस, थाई का आपको पता है कितना जूसी चिकन होता है, वो कोयले के टेस्ट के साथ और साथ इस पे लगा हुआ है टिक्का मसाला, मैं कहता हूँ मजा आ गया, जिंदाबाद पुत्र, मजा आ गया, बड़े मजे के। खाना खा लिया था ठीक है, उसके बाद अब हम चाय पी रहे हैं। चाय हमारे यहाँ पे भी एवरीडे का पाउडर था, देखो अकलमंद लोग हैं, एवरीडे पाउडर रखते हैं यहाँ पे। ये पीनट पिक के बिस्किट भी रखे हुए थे, डाइजेस्टिव शुगर, मतलब यार बहुत अच्छा इंतजाम किया इन्होंने, जैगरी भी, पाउडर भी रखा हुआ है अगर आपने ग्रीन टी पीने हो। मतलब कहते हैं ना कि लाइक जो आपने चीजें भी दिमाग में सोची नहीं होती, इन्होंने पहले अपने एयरबीएनबी में रखी होती है, ठीक है। देखिए जरा हुक्का हमने लगाया हुआ है, अच्छा पूरी महफिल सजीव यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखो जरा ऊपर डंडा ही नहीं है इसके, कोडा हुक्का है ठीक है, आधा हुक्का है ये। लेट है बिफोर आई एंड दिस व्लॉग, ये जगह बहुत अच्छी और बहुत सूटेबल लोगों के लिए जिन्होंने पार्टीज यहाँ पे करानी है, या शादी शुदी का कोई इवेंट कराना है, या ढोलकी मंगनी वगैरह ना। तो आई थिंक इस एयरबीएनबी का रेंट नॉर्मली जाता $1000 पर नाइट और कुड बी मोर ऑन हॉलीडेज, $1000 से 1500 की रेंज में तो होगा पर नाइट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, पूरी मेंशन है और पूरा बाहर गार्डन है, लेकिन वेरी गुड फॉर इवेंट्स, क्योंकि आप वेन्यू पे भी जब जाते हो कोई शादी हॉल के किसी चीज के, तो वो भी आपसे कोई $3000-2500 तो लेते ही है। केटरिंग आप यहाँ पे अलग से करवाना चीजें, और आप इवेंट्स यहाँ पे अलग से करवा सकते हो, पार्टी अब यहाँ पे अलग से थ्रो कर सकते हो, कोई भी इवेंट हो सकता है उसके लिए, दिस इज परफेक्ट, एंड दिस इज परफेक्ट फॉर देसी पीपल एज वेल, क्योंकि हर देसी इम्यूनिटी यहाँ पे मिली हुई थी, एंड दिस वॉज रियली फैसिनेटिंग। एक प्रॉब्लम जो मुझे थी ना, जो मुझे लगी, बहुत मक्खी और कीड़े मकोड़े थे और वो ना घर में भी घुस रहे थे। आई थिंक टू गेट द बेनिफिट ऑफ द डाउट, ये जगह अभी अभी इन्होंने शुरू की है, दे ओपन लाइक 2 months ago और अ मंथ एंड हाफ अगो, सो अभी भी ना उसकी कुछ पॉलिशिंग चल रही है चीजों की, बट ओवर टाइम दिस विल बी रियली गुड, बट आई वुड से अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया, अबंडेंस थी हर चीज की, एंड एवरीथिंग वाज थॉट ऑफ, हर किचन में हर चीज पड़ी हुई थी काम की जो आपको चाहिए, बेडरूम में सारी सप्लाईज हैं, आपके बाथरूम में सारी सप्लाईज है, बाहर ग्रिलिंग की सारी सप्लाईज थी ऑलरेडी, सो दैट वाज परफेक्ट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द होस्ट, हमें आपने यहाँ पे मौका दिया। अभी हम अगला भी ब्लॉग यहाँ पे बनाएंगे सुबह के टाइम में, और आपको फिर सुबह में अच्छी लाइटिंग में सीन्स भी दिखाएंगे और सिनेमेटिक्स भी दिखाएंगे। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, वी विल एंड दिस ब्लॉग हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वली भाई एज वेल, उनका भी चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, एंड ऑल्सो हम दोनों को आप इंस्टाग्राम पे
भी फॉलो कर सकते हैं, और मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करो क्योंकि वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेंट आ रहा है। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।